हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आज मैं इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि काउंसलिंग 2019 यूपी डेलेट का कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे होता है, अलॉटमेंट लेटर कैसे हमें मिलता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेट ओटीपी का। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि यह एक डेमो है। ठीक है, क्योंकि अभी काउंसलिंग 2019 और 20 का नहीं हो रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक डेमो है। जैसे कि यहाँ देखिए काउंसलिंग पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ है स्टेप वन जनरेट ओटीपी और स्टेप टू में होता है चॉइस फिलिंग और थर्ड में होता है काउंसलिंग रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है काउंसलिंग कराना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक जनरेट वन टाइम पासवर्ड आएगा और देखिए सेलेक्ट कोर्स, तो सेलेक्ट कोर्स में क्या रहेगा तो यूपी डीएलएड रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट कोर्स में क्या रहेगा तो यूपी डीएलएड रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप वो फिल करोगे जिस टाइम आपने यूपी डीएलएड 2019 और 20 का रजिस्ट्रेशन कराया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ठीक है, आपके प्रिंट आउट में होगा। और यहाँ देखिए मांग रहा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आप अगर हो तो यस करेंगे और नहीं हो तो फिर एन ए नॉट अवेलेबल करोगे। ठीक है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर मंथ, फिर ये मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है। ओके, अब यहाँ नीचे देखिए कैप्चा कोड मांग रहा है, तो स्टेप वन में यही फिल करना होता है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड के लिए। तो अब देखिए नीचे क्या है, तो नीचे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपके फोन में जो ओटीपी आएगा वो आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं जैसे जूम करती हूँ तो यहाँ देख सकते हो कि ये कह रहा है कि जनरेट वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, सेलेक्ट कोर्स तो आप यूपी डीएलएड, फिर यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आर यू फिजिकली। तो देखिए जैसे ही आप फिल कर दोगे तो आपके फोन पे जो आपने जिस समय रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस टाइम जो नंबर आपने फिल किया है उसी नंबर पर वन टाइम पासवर्ड सेंड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपने कौन सा नंबर फिल किया है। ठीक है, नहीं तो आप कोई दूसरा नंबर फिल कर दिया हो और आप ढूंढ रहे हो, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपने कौन सा नंबर फिल किया है वही नंबर आप फिल करोगे। ठीक है, तो उससे वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है तो चलिए जान लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हम स्टेप जनरेट ओटीपी पे हो जाएगा तो आप नीचे आएंगे और फिर देखिए ये कह रहा है कि अभ्यर्थी के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें, जो आपके फोन पर ओटीपी आया है उसको आप लॉगिन करेंगे। ओके, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि आप डीएलएड फिल कर दोगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर वन टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन पर आए हैं वो आप फिल करोगे, फिर कैप्चा कोड आपको फिल करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हमें कैसा करना है, बिल्कुल भी गलती ना करें। ठीक है, आराम से फिल करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। उसके बाद सारे फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, तो यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, तो जो वन टाइम पासवर्ड गया है ना वो आपको फिल करना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड बनाना है अपने लिए, जो आप अपने तरफ से पासवर्ड बना सकते हो। फिर यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, बनाए गए पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी संस्था का विकल्प भरने हेतु चॉइस फिलिंग में प्रवेश करेगा। अब आपको देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो यहाँ देखिए
यहाँ देखिए ये स्टूडेंट है, उन्होंने अपना चॉइस फिलिंग किया है, रोल नंबर फीमेल, ठीक है, नेम, ये सब एक डेमो है, ठीक है, रियल नहीं है, एक डेमो है। तो ये सब फिल करके आपको देख लेना है कैटेगरी, ये पूरा अपना डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। अब देखिए चॉइस अवेलेबल पर क्लिक अभ्यर्थी संस्था का विकल्प देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अभी भी अपना पूरा जितना मांग रहा है, रोल नंबर, जेंडर, नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, कैटेगरी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट रैंक, ठीक है, आप किस रैंक, किस स्टेट रैंक से हो वो फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टोटल अवेलेबल चॉइस, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना चाहो कॉलेज का चयन कर सकते हो। तो देखिए आप फर्स्ट जो आपको अच्छा लगे तो वही फिल आप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देखिए सबसे फर्स्ट में और सबसे ऊपर आपको प्राइवेट डायट कॉलेज फिल करना है, ना कि प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, क्योंकि मेरिट अगर कम हुआ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में है आगरा, तो ये टॉप है, और यहाँ देख लेना है डायट डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये पूरा टोटल सीट कितना है, सीट डिटेल्स पूरा ये दिखा देगा, जो आप फिल करोगे ना तो दिखा देगा। सेकेंड टू जो आपका मतलब पसंदीदा कॉलेज है वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप कम से कम ही आप जितना चाहो कॉलेज चुन सकते हो, ठीक है, और ध्यान से ये कॉलेज चूज कीजिएगा, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है चूज सबमिशन पर क्लिक कर अभ्यर्थी संस्थान और विकल्प पर क्लिक कर संस्था को चिन्हित करेगा, पूरा जब फिल कर लेगा तो उसके बाद क्लिक करने को बोलेगा, तो आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डीएलएड प्रूव स्वचालित, तो यहाँ देखिए पूरा दिखा देगा कि आपने कौन सा कॉलेज स्टेट चुना है, ठीक है, तो ये सब। उसके बाद नीचे देखिए मतलब ऐसे देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जिस जिले से हो, ठीक है, वहाँ अपना नेम डिस्ट्रिक्ट का फिल करके और देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज टॉप पे है, वही आप फिल करिएगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थी सेव एंड कंटिन्यू संस्था का विकल्प चयन करते हैं। देखिए पूरा जब आप उसमें फिल कर लोगे तो आपको कितना चॉइस क्या है सब दिखा देगा, मैसेज आपके फोन पे आ जाएगा। अब देखिए चॉइस डिलेक्शन के माध्यम से जोड़े गए संस्था को अपनी इच्छा अनुसार हटा सकते हैं, जो आपने चूज किया है उसको हटा भी सकते हैं, बट तभी, ठीक है, ना कि बाद में, क्योंकि फॉर्म काउंसलिंग के टाइम फिर सुधारने को मौका नहीं मिलता है, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल कर रहे हो उसी टाइम आप ये सब करोगे। तो देखिए अभी भी पूरा कॉलेज प्रोसेस का ही है कि हम कॉलेज चयन कैसे करें, ठीक है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जिसने कॉलेज चयन करने का है। अब यहाँ देखिए कन्फर्म डिडक्शन, तो आर यू श्योर, अगर सब कुछ सही है तो आप यस प्लीज डू करोगे, अगर कुछ गलत है तो ओप्स प्लीज नो करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओनली चार क्या है, तो आप यहाँ सेलेक्ट जो आप फर्स्ट रखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, कि आप इसको एक नंबर पे रखना चाहते हो या दो नंबर पे। ओके, अब नीचे चलते हैं क्या प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ आपका अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव करके आप सक्सेसफुली कर सकते हो। फिर नीचे चलते हैं, अभ्यर्थी भरे गए संस्थान के विकल्प को देखने के लिए व्यू सबमिट चॉइस के विकल्प पर क्लिक करें। आपको देखना है कि हमने कौन सा कॉलेज फिल किया है, तो आपको चॉइस सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हाँ मैंने चार कॉलेज फिल किया है। अब अभ्यर्थी अपने नाम द्वारा भरे गए संस्था वरीयता क्रम परिवर्तन हेतु चॉइस इंटरचेंज पर क्लिक करके और इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब जब हम सब कुछ अपना कॉलेज नेम चूज कर लेंगे तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है कि भरे गए संस्थान के विकल्प से पूर्णता सुनिश्चित होने के पश्चात अभ्यर्थी लॉक चॉइस पे क्लिक कर पूर्व में बनाए गए पासवर्ड के माध्यम से संस्थान के विकल्प को सेव करें। ठीक है, एक बार लॉक किए गए विकल्पों में पुनः किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो एक बार आप कॉलेज का लॉक कर दोगे तो फिर उसमें हम फिर रीच चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। तो आप देख सकते हो, फिर आप देखिए चूज सबमिशन यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे ये दिखा रहा है कि आप अपना आफ्टर लुकिंग एक बार अपना सब कुछ देख लो। ठीक है, उसके बाद आई एग्री टू लॉक माई शूज, आई विल लॉक माई शूज। तो देखिए यहाँ आप अगर सब कुछ अगर सहमत हो अपने लॉक से तो आप क्लिक कर दोगे, अगर नहीं तो ठीक है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिखा रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि लॉक योर शूज। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, ईयरली लॉकिंग डज नॉट मेन रियली ईयरली अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट कॉम ऑन द शीट। ठीक है, क्लेम ऑन द शीट, द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, मेरिट के आधार पर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। और आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉक योर चॉइस, तो आप अगर यस हो तो यस करो, अगर नो हो तो प्लीज कैंसल पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और जो एंटर वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आया है वो आपको फिल करना है और लास्ट सबमिट एज प्लीज डू पर क्लिक कर देना है और लॉक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ से अपना अगर कुछ गलत हुआ है तो यहाँ लिख देगा योर फेल्ड चॉइस हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुल नाउ एंड नाउ यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्लिक हियर टू टेक प्रिंट आउट लॉक्ड चॉइस, आप यहाँ से जो आपने कॉलेज लॉक किया है आप उसका प्रिंट आउट बाहर निकलवा लें। तो यहाँ देखिए, देखिए किए गए विकल्प का प्रिंट ले सकता है। तो देखिए ऐसा आपको प्रिंट मिलेगा जब आप सब कुछ काउंसलिंग सबमिट कर लोगे, तो काउंसलिंग का रिजल्ट ऐसे आपके प्रिंट मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें कॉलेज का चयन करना, लॉक करना, ठीक है, OTP जनरेट करना, बस यही 3 स्टेप है, आपको यही फॉलो करना है काउंसलिंग के टाइम। तो जैसे ही काउंसलिंग का कोई अपडेट आता है कि कब से काउंसलिंग होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। अगर UPDLET की सारी जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।